मैकेनिक टीचर गाइड, उस मोटर किताब का नाम था हाँ। मोटर मैकेनिक टीचर गाइड। अच्छा समझिए ना, तो वो हम पढ़े हैं और काम सीखे हैं यहाँ। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक में चार ठो काम करता है पिस्टन, इंजन में सबसे तेज चलने वाला पिस्टन है और कोई पार्ट नहीं है, समझिए ना। क्लच क्या करता है, क्लच इंजन और गियर, गियर को अंग्रेजी में ट्रांसमिशन कहते हैं, गियर बॉक्स जो है उसको अंग्रेजी में ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इंजन और गियर बॉक्स जो है, क्लच का काम है तोड़ना और जोड़ना दोनों को। आप तोड़ दीजिएगा तो गियर लगेगा, छोड़ दीजिएगा तो प्लेट है वहाँ, हाँ, तो इंजन और गियर बॉक्स दोनों एक साथ चलना शुरू हो जाएगा, समझे ना। तो टू स्ट्रोक में पंप रहता है, तो पंप जो है सो तेल जो है सो देता है, तो जिससे तेल जाता है उसको ऑटोमाइजर कहते हैं, हाँ, तो वही में होता है। डीजल इंजन में आप सुने होंगे कि एयर लॉक हो गया ना, तो एयर लॉक हो जाने के बाद में पंप को जो है सो पंपिंग किया जाता है, तो गाज गाज फेंकता है, तब तो फिर गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही जो हम लोग का पहले ट्रक जो था पुराना वाला, हाँ डी मॉडल था, हाँ डी मॉडल था, हाँ पुराना वाला डी मॉडल जो ट्रक था उसमें जब एयर लग जाता था हम उसी तरह से एयर पंपिंग करते थे। और टू स्ट्रोक जो है वो ब्लॉक, वो ट्रक में कितना ये रहता है, उसमें भी कोई स्ट्रोक, उसमें भी स्ट्रोक रहता है ना, स्टोव चार फोर स्टोव वही में, तो पिस्टन जो है सो चार काम करता है। वो ट्रकों में कितना रहता है डी मॉडल में, ट्रक में वही में वही फोर स्टोव, सब में फोर स्टोव। टू स्टोव जो है उसमें पंप नहीं रहता है, उसमें एयर लग नहीं होता है। जैसे कि टीवीएस का एक आता था टीवीएस सिटी 100 कुछ का, पुराना गाड़ी हम बता रहे हैं आपको, पुराना हो या नया हो उसमें टू स्टोव, हाँ तो नहीं टू स्ट्रोक बताते हैं आपको, सुन लीजिए पहले। टू स्ट्रोक होता है तो ब्लॉक जो होता है राजदूत जैसे हो जाता था, हाँ राजदूत तो पेट्रोल गाड़ी है ना, इसका बात छोड़िए सब। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक पहले समझिए। टू स्ट्रोक में दो काम होता है, सेक्शन और एग्जॉस्ट, कंप्रेशन और फायरिंग, ये नहीं होता है टू स्ट्रोक। तो ब्लॉक जो है इंजन का, उसमें एक रूटर रहता है बीच ब्लॉक में, उसमें ऐसे ऐसे करके डंडा रहता है, तो बाहर से जो हवा खींचता है उसको चौगुना बना देता है, तो इसलिए कंप्रेसर का जरूरत नहीं है उसमें। तो डायरेक्ट जो है वो इंजन, जब टू स्ट्रोक का इंजन प्लांट में चलता था तो करता था, एक डोजर था टू स्ट्रोक का, समझिए ना। तो ब्लॉक में रूटर होता है, तो बाहर से जो हवा खींचेगा उसको चौगुना बना के अंदर दे देगा, तो उसमें इंजेक्टर होता है, इसमें ऑटोमाइजर होता है, उसमें इंजेक्टर होता है, ये पंप के द्वारा काम करता है, वो डायरेक्ट काम करता है, उसका इंजेक्टर नाम होता है, तो वो जो है सो बीच हेड पर रहता है, आई जो है सो साइड में रहता है। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक समझिए ना, तो फोर स्ट्रोक का मतलब वो चार काम करता है, सेक्शन कंप्रेशन फायरिंग और एग्जॉस्ट। और टू स्ट्रोक में सेक्शन और एग्जॉस्ट मैंने सेक्शन खींच लिया और एग्जॉस्ट जला दिया, समझिए ना। तो टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक यही दो गाड़ी है। इंजन दो तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हाँ एक इंजन होता है ऐसे चलता है, एक इंजन होता है ऐसे चलता है, तो वर्टिकल मैंने खड़ा हो गया और वो जो है सो ऐसे चलता है, तो इसलिए दो तरह का इंजन होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हाँ तो वही जो है सो आपका टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। पेट्रोल गाड़ी में प्रति वर्ग इंच 350 पाउंड का प्रेशर का दबाव पड़ता है हवा का, तो उतना में आग नहीं लगता है, तो इसलिए जो है सो प्लग दिया गया है। और फोर स्ट्रोक जो है डीजल गाड़ी, उसमें जो है सो आपको वो फलक फलक नहीं है, उसमें 750 पाउंड का दबाव पड़ता है, तब ऑटोमेटिक आग लग जाता है गाड़ी में, हाँ गाड़ी में तब ना वो पावर आता है। तो टू स्ट्रोक का जो है सो इस तरह का होता है, फोर स्ट्रोक उसका स्ट्रोक किसे कहते हैं, जहाँ से पिस्टन अपना काम करता है, TDC और BDC, टॉप डेड सेंटर और बैड डेड सेंटर, 6 वर्ष काम रगड़े हैं आप पढ़े हैं, तब जो है यही फोर मैन था, खलासी में थे फोर मैन था, पूछा तो स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो वही जो है सो बताए। और सीमा
हाँ सब ठीक हुआ, हाँ सब कुछ ठीक हुआ। तो वही फोर स्टॉक और टू समझिए ना, पेट्रोल में उतना दबाव नहीं पड़ता है। तो एक फोरमैन था, वही पूछा था, हाँ कौन सी जगह फोरमैन था, पूछा कि स्टॉक किसे पढ़ते हैं, तो कोई नहीं बताया, दस दस वर्ष का एक्सपीरियंस वाला था, तो पीट पाट के सीखा था। तो क्या बताया? हम बताए, हाँ तो स्टॉक उसे कहते हैं जहाँ से पिस्टन अपना काम करता है, ये दूरी हो गया, तो यहाँ से पिस्टन आता है और यहाँ तक जाता है, समझिए ना। तो फोर सिलेंडर का जो इंजन होता है उसमें एक नंबर फायरिंग करता है पहले, उसके बाद तीन नंबर फायरिंग करता है, उसके बाद दो नंबर पिस्टन फायरिंग करता है, उसके बाद तीन नंबर चार नंबर करता है। रसिया से डोजर आया था 12 सिलेंडर का, वी टाइप इंजन था, 400 लीटर एक दफा। कितना स्टॉक उसमें? उस समय जब प्लांट बन रहा था तो कितना स्ट्रोक का था डोजर? वो भी 4 स्ट्रोक का था, भी टाइप इंजन था, 12 सिलेंडर, 6 सिलेंडर इधर 6 सिलेंडर इधर, ऐसे चलता था वो। बाप रे बाप, उस समय 66-67 में 300 रुपये घंटा चलता था वो उस समय। तब तो हम ज्वाइन किए थे 73 में, 337 रुपया था, समझिए ना। वो डोजर क्या काम था, मिट्टी काटता था कि पत्थर, क्या चीज का? हाँ वो डोजर का काम क्या था? डोजर का काम था माटी काटना, माटी काटता था, पहाड़ काटना, सब गला कर देता था, और वही जो है सो साबर से उसको उठा करके गाड़ी पर लोड किया जाता था, समझिए ना। तो 6 वर्ष लग रहे हैं बाबू बोकारो में, तब जाकर नौकरी पाए हैं, और अपने बल बूता पर सारा काम किए हैं, समझिए ना, ऐसे नहीं है। और नौकरी भी करते थे, AGM DGM बड़े बड़े अफसर लोग के यहाँ जा करके विवाह शादी पूजा पाठ कराते थे। यहाँ कोई था हमारा सामने पंडित सब्जी